कालख बांध पर छोटी दिवाली का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने 1.25 लाख दीपक जब जलाए तो लोगों की पानी की आस भी दीपकों के साथ रोशन हो गई। कालख बांध 40 वर्ष पूर्व पानी से लबालब हुआ था, उसके बाद आज रोशनी से नहा उठा। इस दौरान क्षेत्र के हजारों ग्रामीण, महिलाएं, पुरुष दीपकों को जला रहे थे, प्रज्वलित कर रहे थे। कार्यक्रम संयोजक पेमाराम सेपट ने बताया कि बांध ऐतिहासिक है, इसमें पानी की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। इस दौरान प्रकाश दास महाराज के भजनों की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम संयोजक पेमाराम ने बताया कि पत्रिका ने बांध में पानी लाने के लिए लगातार मुहिम चला रखी है, इसके लिए उन्होंने राजस्थान पत्रिका का आभार जताया। कालख बांध की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और देखिए इंतजार है लोगों को, हजारों लोग हैं जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, और यहाँ पर ये इस बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा अगर कालख बांध की जो आस है वो पूरी हो पाए, पानी की जो मांग है वो अगर पूरी हो पाए तो। ये तो एक बार फिर से प्रशासन को जगाने के लिए जनता की तरफ से प्रयास किया गया है। पावन पर्व दीपावली के जरिए एक बार फिर से यहाँ कालख बांध को जिंदा करने की मुहिम लगातार जारी है। पत्रिका लगातार अपने उन तमाम लोगों के लिए, दर्शकों के लिए मुहिम में शामिल होता है जो कोशिश कर रहे हैं, जागरूकता की जो कोशिश कर रहे हैं समाज हित की, और इसी मुहिम में पत्रिका जन सरोकारों के मुद्दों में हमेशा से अग्रणी रहा है, रहेगा। आज कालख बांध एक इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। 1.25 लाख दीपकों से आज जो छोटी दीपावली है कालख बांध का श्रृंगार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। दूर दूर तक आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको इसका कोई छोर दिखाई नहीं देगा। 1.25 लाख दीपक जलाने के लिए यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे साथ कालख बांध संघर्ष समिति के पेमाराम सेपट साहब है। पेमाराम जी, आज लग रहा है कि जन सैलाब आज ही कालख बांध के लिए उमड़ पड़ा है, जो ये हाथ में लोग मोमबत्ती लेके और जो दिए जला के एक रोशनी की उम्मीद कर रहे हैं कि कालख बांध में किसी तरह से पानी आएगा, एक बहुत बड़ी उम्मीद है, क्या कहेंगे आप? जयपुर संभाग में पानी की बहुत कमी है, हमारा ड्राई जोन हो गया है, यहाँ पानी की कमी है, किसान बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इसलिए हमने मजबूरन ये आंदोलन कर रहे हैं कि पानी राम और राज भारत सरकार को चेता रहे कि हमारी ये नदी से नदी जोड़ो, ERCP से जोड़ो, किसी भी योजना से जोड़ो, कालख बांध में पानी आना चाहिए, ये हमारी प्रथम मांग है। साथ ही लोगों को अगर ये साल नहीं, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिया भारत सरकार ने, तो हम इसका जमकर भारत सरकार का विरोध करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, मदन देगड़ा साहब। मदन देगड़ा साहब, बहुत लोगों में उमंग है पानी की, लग रहा है कि जो आज ये दीपक जल रहे हैं ये पानी की मांग है, हजारों लाखों की संख्या में दीपक पानी की मांग की और पानी की जरूरत को बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन दीपावली है, इस प्रकार का मैंने उत्सव और इस प्रकार का सजावट मैंने नहीं देखी, और पेमाराम जी उनकी संघर्ष समिति ने जो प्रयास किया है ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, और ये अगर पानी इस बांध को भरा जाएगा तो एक प्रश्न पेमाराम जी सेपरेटली के संघर्ष का भी होगा, इस दीपावली का भी होगा। ऐसी दीपावली मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी, और इस दीपावली का ये श्री राम सुनेंगे और सरकार भी सुनेगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ।